रिपल्शन, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बोथ 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 वंडर, हाँ वंडरवाल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव ओनली रिपल्सिव बोथ वंडरवाल फोर्स में डिस्पर्सन फोर्स डायपोल 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 इंड्यूस हाइड्रोजन बॉन्ड भी ले सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी अलग है, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम मेन डालते हैं स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन में। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली वंडरवाल फोर्स की कैटेगरी में नहीं आता, ओके उसकी वजह है वंडरवाल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उसमें जो एनर्जी लगती है उससे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी, लेकिन फिर भी हम उसको डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन में मान सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे तीन छोटी छोटी डिफिनेशन जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखिए डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, उसके बाद अच्छी बातें हम आपको बताएंगे। डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, बस है द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, किसके बीच में जल्दी बताइए, टू पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में आगे भी हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अरे सभा नाम के स्टूडेंट को आ रहा है समझ में? यस सर। थैंक यू। ये समीरा आई है क्या? समीरा आर यू देयर? ये बोल क्यों नहीं रही है? समीरा आई है क्या? नहीं आई आज भी? एक भी कहाँ रहते हैं भाई? लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं, यहां तक बोलिए, गवाही दीजिए। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं। अरे इसमें तौहीद नबी आए हैं? तौहीद नबी, हेलो तौहीद नबी, क्या आप प्रेजेंट हैं क्लास में? ये भी नहीं आया क्या? हेलो तौहीद नबी, कुछ तो बोलें। ये बोल नहीं रहा इस बिहारी को तो मैं भी। तो देखिए सारे लोग, पोलर मॉलिक्यूल कौन है भाई? HCl है, दिस इज पोलर डाइपोल मोमेंट, दो HCl को लाओगे। ये सब आसान है, लेकिन एक अच्छी अच्छी बातें आएंगी बाद में पढ़ाने के बाद। ये तो इसी को कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, और आपको खुद से पहचानना कि इसमें डाइपोल मोमेंट होता है। बस ये सब पढ़ चुके हैं आप, कोई इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। क्या आपको सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बोल दीजिए। आया सर। वेरी गुड। यस सर। हाँ दूसरा, ये जल्दी से डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, जहां मुझे टाइम लेना वहां टाइम लेंगे। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, तो आप देखिए ये जो होता है ना बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, फिर से बोलिए किसके बीच में ये होता है, जल्दी बताओ। पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की पहचान डायपोल मोमेंट क्या हो? जीरो हो। जीरो, हाँ पार्टिकुलर बॉन्ड पोलर हो सकता है लेकिन ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो हो। क्या आप लोग गवाह हैं? सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। आप सुनिए, हाँ इंड्यूस, हाँ इंड्यूस, आप तो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं ट्वेल्थ में, जैसे HCl आपने लाया दिस इज पोलर, और यहाँ H H H2 के बीच में पोलारिटी जीरो होती है, लेकिन जैसे तुम लाओगे तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, और इसमें भी चार्ज इंड्यूस इसकी वजह से जो इसमें डायपोल आया। फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं पोलर डायलेक्टिक नॉन पोलर डायलेक्टिक। फिजिक्स क्या कहता है, व्हाट इज द नॉन पोलर डायलेक्टिक डिफिनेशन, मेरे पॉइंट पर गौर से सुनिएगा। वो मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट ना हो। इससे ये साबित हुआ कि नॉन पोलर में भी डायपोल हो सकता है,
इसलिए केमिस्ट्री कहता है अगर मैं इस तरह लिख दू ना H2 गैस तो 100% डाइपोल में जीरो है, लेकिन H2 सॉलिड जब लिखूंगा इसमें पोलैरिटी है, 2% आयनिक करेक्टर है इसमें। सॉलिड का मतलब होता है भीड़। क्या होता है सॉलिड का मतलब, जल्दी बताओ। भीड़, अरे बोलो ना यार। यस सर। सॉलिड का क्या मतलब होता है बोलो ना। भीड़। हाँ भीड़। अब भीड़ जब होगा तो धक्का लगता है बोलो। तो उसी धक्के को कहते हैं, वही पढ़ोगे अभी, उसी धक्के को डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। अरे कुछ तो बोल दीजिए मेरे स्टूडेंट लोग, समझ में आ रहा है ना। यस हाँ, तो मेरे कहने का मकसद वही है, इसको कहेंगे इंड्यूस डाइपोल। इसलिए फिजिक्स कहता है कि वो मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डाइपोल आ जाता है। तो परमानेंट डाइपोल ना होने का मतलब ये हुआ कि डाइपोल हो सकता है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही है, पोलर मॉलिक्यूल जब लाएंगे ना उसमें इंड्यूस डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। अब ये पोलर है, परमानेंट डाइपोल है, बोलिए ना। हेलो एवरीवन। यस सर। इसमें जो आपको आएगा इसको हम इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। बताइए यहां तक सीख गए आप लोग? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे। तो आप मुझे, जैसे आपसे कोई पूछे आप जगह, आप बताइए इसमें कौन सा डायपोल है, आपसे पूछ देगा। याद रखिए SO2 एंड अभी तक HCl, एक ही एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसके सामने बताना। आपसे पूछ रहा हूँ SO3 एंड HCl, दोनों में डायपोल मोमेंट क्या बताओ, पहले वाले में बताओ क्या है। पहले वाले में बताओ कौन सा इंट्रैक्शन है। हेलो एवरीवन। हेलो। डाइपोल इंड्यूस्ड। पहले वाले में डाइपोल इंड्यूस है, देखा था, डाइपोल डाइपोल है रे, दोनों पोलर है। डाइपोल जाएंगे ना ये लोग, ड्रॉपर बैच में है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। और यहाँ है डाइपोल इंड्यूस, ये पर ये SO3 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एग्जैक्टली डाइपोल मोमेंट जीरो है इसका। इसमें वही ना करें, पहचानने आएगा नहीं, लबर लबर खाली इंड्यूस डाइपोल। अरे बोलिए, आया समझ में हर्षित साहब? हेलो हर्षित साहब। अच्छा, अगर आप इतना ही है, हाँ ठीक है। अमोनिया एंड C6H6, बताओ इसमें इंट्रैक्शन का नाम बोलो सारे लोग। HBr+Br2। बेंजीन नॉन पोलर है, ये पोलर है, डायपोल इंड्यूस्ड। कौन सा? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। HBr ये भी डायपोल इंड्यूस्ड, पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर, बोलिए ना, गवाही दीजिए ना। yes. अरे गवाही तो दीजिए। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। आगे बढ़े। एक मिनट सर, बस। इंड्यूस का मतलब होता है, तो याद रखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवाल फोर्स की कैटेगरी में नहीं आता, या आता भी है तो हम इसको स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन कह सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव में दे सकता है क्वेश्चन। क्या मैं आगे बढ़ूं? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। अब आइए, ये इम्पोर्टेंट है, डिस्पर्जन फोर्स। कौन सा फोर्स? लंदन फोर्स। लंदन एक साइंटिस्ट का नाम था, लंदन फोर्स। सिंपल है, इसके बाद मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, पहले जनरल डेफिनेशन। एग्जिस्ट बिटवीन टू
नॉन पोलर, पोलर पोलर, डायपोल डायपोल, पोलर नॉर्थ पोल, डायपोल इंड्यूस, और पूरे वंडरवाल फोर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स है बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन, यस सर। बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब ऐसा क्यों हो जाता है? सिंपल है, गौर से सुनिए। मान लो कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, समझ लो, अच्छे से समझो, जो मैंने कहा था भीड़ की बात है, एकदम गोल मटोल है बिहारी। एनपी का मतलब नॉन पोलर है, सिमेट्री है, शुरू शुरू में ऐसे ही रहेगा ये बिहारी। थोड़ा सा समझा देते हैं, नॉन पोलर है, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स होती है कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है? जल्दी बताओ। तो मान लिया वाइब्रेशन, कुछ कुछ ऐसा पॉइंट आएगा, जैसे इसकी मिसाल ऐसे लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर समझाता हूँ। मान लो हीलियम ही को देख लो, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ है, डायपोल कैंसिल हो गया, लेकिन कोई जरूरी है? हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक यहाँ है एक यहाँ है, तो अब बताओ डायपोल का, अब यहाँ है मान लीजिए, अब तो डायपोल नहीं होगा, अब तो डायपोल होगा ना नेट, तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। पहले क्या था, एकदम पहले ऐसे था, एकदम न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन एकदम सिमेट्रिकल है, हर पोजीशन एकदम सिमेट्रिकल डिस्टेंस पर है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स ऐसा हो जाएगा कि न्यूक्लियस एक तरफ, इलेक्ट्रॉन पूरा एक तरफ। अब बताओ यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव इंड्यूस्ड इन डायपोल आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ या ना, ऐसा होता है ना? जी सर। इसलिए इसको कहते हैं फिजिक्स के लिहाज से इंस्टेंटेनियस, पार्टिकुलर इंस्टेंट पर कभी ना कभी ऐसा होता होगा। अब जैसे आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, भीड़, धक्का किसी ना किसी इंस्टेंट में लग जाता है ना, अरे बोलिए ना सारे लोग, बोलिए ना, लगता है ना, भी चाहते हैं तो लग जाता है धक्का इंस्टेंट पर, कि परमानेंटली धक्का लगता रहता है, ऐसा तो नहीं होता है, भाई हुआ, भीड़ आई, धक्का लग गया, है कि नहीं, तो वो पार्टिकुलर इंस्टेंट पर लगता है। तो वही हाल है केमिस्ट्री में, ये था आप, ये सिमेट्री है, एकदम सिमेट्रिकल है, गोल मटोल है बिहारी, एकदम चेहरा एकदम गोल है बिहारी का, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, लेकिन वही वाइब्रेशन कुछ देर के बाद कभी ना कभी इंस्टेंट पर क्या हो जाता है, तो इसमें डाइपोल हो जाता है। तो मान लो जो किसी एक मॉलिक्यूल में, ये एक तरफ न्यूक्लियस और एक तरफ इलेक्ट्रॉन, ये मैं लिख भी देता हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बताओ पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया कि नहीं, जल्दी बता, किसी ना किसी इसको, हाँ देखो गौर से सुनो, इस डाइपोल को कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या कहते हैं बताइए, गवाही दीजिए, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब तुम पढ़ चुके हो, जैसे इसमें डाइपोल आया तो ये अपने निकटतम प्रतिद्वंदी में भी डायपोल इंड्यूस करेगा, अपने नियरेस्ट मॉलिक्यूल में भी, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर, अरे यार बोलो ना, जैसे इसमें डायपोल आया तो दूसरे में भी करेगा, तो दूसरा भी हो गया इंड्यूस डायपोल। ये तो यहाँ पर दो दिखा रहा हूं ना मैं, सिंपल ऐसे बोलता हूँ, ये मान लो अकेला है, हीलियम अकेला है, मान लो कोई, क्या इसमें डायपोल हो सकता है? बोलिए हो सकता है, इंस्टेंटेनियस डायपोल है। जैसे कोई पूछे H2 में डायपोल हो सकता है, कहिए हो सकता है, कोई कह रहे नॉन पोलर है, बोले नॉन पोलर है, लेकिन किसी ना किसी टाइम पर हुआ होगा, इस मॉलिक्यूल एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ, इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल पार्टिकुलर पर। अब दो H2 जब ले लिया तो अब ये इसमें इंड्यूस कर देगा, इसको भी अनसिमेट्रिकल बना देगा कि नहीं, बोलो ना, बोलो ना, यस सर, yes, तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव में हो जाएगा एंटर मॉलिक्यूल, इसी को कहते हैं डिस्पर्जन फोर्स। कि H2 अगर अकेला है तो धक्का नहीं लगे, ज्यादा इंड्यूस इंस्टेंटेनियस डायपोल, लेकिन बहुत सारे H2 जब ले लोगे तो उसमें डिस्पर्जन फोर्स हो जाएगा, एक दूसरे पर धक्का लगेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम है क्विक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन फोर्स, इट इज ड्यू टू द इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, इसीलिए सबसे वीकेस्ट है, सबसे कमजोर फोर्स है ये। अरे बाप, बोलो यार, हाँ मैं हाँ तो मिलाओ, आर एस एस तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहाँ एक न्यूक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन,
नेगेटिव, तो वही है नेगेटिव। इसको कहते हैं, अब इसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, तो वही हो गया। अब इस दोनों में बिहारी के बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को कहते हैं डिस्पर्जन फोर्स। क्या सारे स्टूडेंट को समझ में, अब इसमें अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, तो कोई भी पूछे डिस्पर्जन फोर्स कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, जल्दी बताओ, पोलर में कि नॉन पोलर में? नॉन पोलर, नॉन पोलर में, याद रखिए नॉन पोलर। लेकिन अब मैं नॉलेज में इंक्रीजिंग करूंगा, लंदन फोर्स नॉन पोलर में रहता है, भी रहता है, क्योंकि एससीएल में पोलर है, कि इसमें डायपोल डायपोल भी है और लंदन फोर्स भी है, याद रखिए इसे। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, गौर से सुने मेरे पॉइंट को, गौर से सुनिए, पोलर में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, नॉन पोलर में कौन सा फोर्स होता है, डिस्पर्जन फोर्स। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ दे कि लंदन फोर्स कहां कहां प्रेजेंट होता है, तो आप कहिए नॉन पोलर में भी, समझा? जब वो नॉन पोलर में हो सकता है तो पोलर में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो भी तो डिस्पर्जन फोर्स, हाँ पोलर है तो उसकी वजह से तो डायपोल डायपोल आएगा, लेकिन एससीएल एससीएल में आप दो दो फोर्स का नाम आ जाएगा, डायपोल डायपोल भी और डिस्पर्जन भी। सुना? अरे बोलिए, खुद सोचो, खुद सोचो, ये भी एक तरह का क्या डायपोल, ये भी एक तरह का क्या डायपोल डायपोल, ये भी तो है। अरे बोलिए ना, बोलिए ना, इसीलिए याद रखिएगा डिस्पर्जन फोर्स मेनली कहाँ पाया जाता है, नॉन पोलर। लेकिन क्या बोलेगा, क्या ये पोलर मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली कि भाई जब नॉन पोलर में डिस्पर्जन फोर्स पाया जा सकता है तो पोलर में भी आ सकता है, भले उस वो उसकी मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन ये बातें हम अभी कंक्लूजन में दोबारा समझाएंगे। पहले यहां तक डिस्पर्जन फोर्स की डिफिनेशन समझ में आई? अरे बोलिए, पहले ये सब बताओ सारे लोग, हाँ कोई भी पूछे डिस्पर्जन फोर्स क्या है, आप डिफिनेशन तो यही बोलिएगा, एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, समझा कि नहीं? लेकिन कोई पूछे एग्जिस्ट प्रेजेंट कहां कहां होता है, वो एक अलग टॉपिक है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन कोई पूछे नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिस्पर्जन फोर्स का, एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब जी सर, लिख लिया इसको यहां तक? नो सर। हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, लिख लिया यहां तक? एक मिनट सर बस। अच्छा एक मिनट बस, यस। बोलिए ना, लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर, यस सर। यस सर। अब सुनिए, कंक्लूजन आप मैं लिखा देता हूं, गौर से सुनिए। डिस्पर्जन फोर्स कहां पाया जाता है, गौर से सुनिए, डिस्पर्जन फोर्स आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल मॉलिक्यूल्स। देखिए कंक्लूजन एनडीटीवी न्यूज चैनल, वेदर दे आर पोलर एंड नॉन पोलर। सुना? नॉन पोलर में तो पाया ही जाएगा, पोलर में भी तो आ गया इंट्रैक्शन, दे आर पोलर और
जल्दी बोलो नॉन पोलर यस नॉन पोलर यस सुने अच्छे से मैं आपको एग्जांपल इसलिए ये स्टूडेंट को नहीं मालूम रहता हूं हाँ ये है कोई दिस इज सही लेकिन ये बेसिकली डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं इट इज नॉट यूनिवर्सल सॉरी इट इज यूनिवर्सल एवरीवेयर एग्जिस्ट आप बैठे हुए हैं चेयर पर वहां भी वंडरवाल फोर्स है हम उसको कह देंगे डिस्पर्जन फोर्स है कुछ तो बोलिए आप लोग दस पार्टिकल आप चल रहे हैं दस पार्टिकल आपके कपड़े के ऊपर आ रहा है दिस इज वंडरवाल फोर्स डिस्पर्जन फोर्स एवरीवेयर कुछ तो बोलिए मेरा बात ही समझ में नहीं आ रही है हाँ जी सर ये बात कान खोल के सुन लें डिस्पर्जन फोर्स की पहचानने का तरीका है टू नॉन पोलर लेकिन एग्जिस्ट इन एवरीवेयर मैं क्या बताऊं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये लिख लिया आपने यस सर लिख लिया जी सर उसकी मैं वजह भी बताता हूं अभी एक फैक्टर बताने के बाद तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा फैक्टर अफेक्टिंग लंदन फोर किन बातों पर डिपेंड करता है नंबर वन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वेट पर सुना सारे लोग हेलो एवरीवन यस एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मतलब वही साइज पर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम साइज वॉल्यूम का मतलब रेडियस साइज एक ही बात है तीसरा नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन कितने पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन हो गए जितना ज्यादा पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन उतना डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा खुद सोचिए हीलियम से ज्यादा नियॉन की क्यों डिस्पर्जन मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है जितनी भीड़ उतना धक्का बोलना यार यस सर जितनी भीड़ उतना धक्का यस सर हाँ यस नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अब तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ सारे लोग सुनो अच्छे से लेकिन इन चारों के बाद रुको एक स्टार पॉइंट जो मैं तुम्हें समझा देता हूँ चारों के बाद लेकिन ये कंक्लूजन के सुनो अच्छे से द मैग्नीट्यूड सुन रहे हो यस सर द मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स लार्जली डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर लार्ज सब पे डिपेंड करता है लेकिन लार्जली किस पर डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर अरे बोलो कुछ तो गवाही दो यस सर जी सर इन जनरल सुनो इन जनरल वंडरवाल डिस्पर्जन फोर्स या कहीं कहीं पर हम लोग वही वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही हुआ डिस्पर्जन फोर्स मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन जनरल कुछ केसेस में है लेकिन उतना आपको केमिस्ट्री पे पीएचडी नहीं करना बीएससी लेवल नहीं पढ़ रहे आप कॉम्पिटिशन लेवल पढ़ रहे हैं इन जनरल डिस्पर्जन फोर्स अब सुनो क्यों एक बात सुनो एचएफ है मैं अगर ये पूछूं गवाही एक मिनट सुनो HBI और HI है बताओ मोर पोलर कौन होगा HF होगा बोलो हाँ या ना यस सर यस सर जी सर हम क्यों कहते हैं HF में तो चलो हाइड्रोजन बॉन्ड है अगर हम सिर्फ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की बात करें तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन HF में स्ट्रॉन्गर होगा HCl में लेकिन हम कहते हैं कि HF को तो छोड़ दो इन तीनों में HI की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है उसका रीजन यही है जबकि पोलारिटी Cl की ज्यादा है हम क्यों नहीं कहते कि HCl की डायपोल डायपोल इंटरेक्शन HI कहिए HCl का डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मजबूत है लेकिन यहां पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी है और डिस्पर्जन फोर्स मॉलिक्यूलर वेट की वजह से बहुत ज्यादा है तो अगर आप सिर्फ ये रख लेंगे कि नॉन पोलर में डिस्पर्जन फोर्स है तो गलत कंसेप्ट है
इट एग्जिस्ट इन ऑन मॉलिक्यूल. क्यों लिखा रहता है बुक में कि अच्छा है कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग. अरे गवाही दीजिए, गवाही दीजिए. Yes, बोलिए ना. यस बोलिए ना. क्यों बुक में लिखा रहता है चाय की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. एचएफ को छोड़िए, अभी उसकी बाद में बात करेंगे. इन तीनों की बात करते हैं हम. क्यों लिखा रहता मीथेन और इथेन में इथेन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. क्यों पोलर, जबकि जब पोलर है तो हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तो इसमें स्ट्रॉन्ग है. हम क्यों लिखते हैं चाय. उसका रीजन यही कि डायपोल कमजोर है लेकिन 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 डिस्पर्जन फोर्स की मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा, तो दो मिलकर नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स चाय में स्ट्रॉन्ग. अगर आप सिर्फ ये रहते हैं कोई का एग्जिस्ट कहां होता है, मेनली टू नॉन पोलर. बट कंक्लूजन इज डिस्पर्जन फोर्स प्रेजेंट इन एवरीवेयर, इन एवरीवेयर. अरे इंग्लिश समझ में आ रही ना सबको, सबको समझ में आया कि नहीं. यस यस. इसलिए चाय की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है. अगर हम सिर्फ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की बात करें तो डायपोल डायपोल तो स्टील में स्ट्रॉन्गर है क्योंकि मोर पोलर मोर डायपोल मोमेंट, मोर डायपोल मोमेंट. अगर हम सिर्फ डायपोल डायपोल की बात करें तो स्टील की ज्यादा होनी चाहिए थी. लेकिन आप जान लें आप जान लें कि एचआई में तो डायपोल डायपोल तो है ही है, डिस्पर्जन फोर्स की मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. तो ये दो मिलकर बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है. क्या आप लोग गवाही देंगे, आपको समझ में आया. यस यस सर. कोई ऐसे पूछे आपसे कि डिस्पर्जन फोर्स किसके बीच में पाया जाता है, कहिए टू नॉन पोलर. बट दोनों बात बोलिए, एनडीटीवी रविश कुमार किसान की बात, जय जवान जय किसान की तरह बोलिए आप. दो नॉन पोलर है, ये पढ़ने का तरीका से देखने का तरीका है दो नॉन पोलर के बीच में. लेकिन इट एग्जिस्ट इन एवरीवेयर. दिस इज द सुबह सुबह प्राइम टाइम जो मैंने लिखा कि डिस्पर्जन फोर्स आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल मॉलिक्यूल वेदर दे आर पोलर एंड नॉन पोलर. क्या इस लाइन के बाद भी आपको कंफ्यूजन है. अरे बोलिए इतना अच्छा पॉइंट, वेदर दे आर पोलर एंड और नॉन पोलर. अरे यार कुछ तो बोल दो, गवाही तो दो यार. yes, समझ में आया. जी सर. जी सर. यस सर. इसीलिए आप कहते हैं ऑर्गेनिक में, सॉरी जब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखते हैं यही सब बातें पी ब्लॉक में आएंगी. पूरा ग्रुप 15 ग्रुप 16 CH4 SiCl, एक तो ये सब पोलर ही है. सॉरी ये तो सब नॉन पोलर ही है. जब तो सब नॉन पोलर है तो भाई मॉलिक्यूलर वेट. लेकिन पोलर में CLHBr में क्यों नहीं देखा गया. भाई कहेंगे मॉलिक पोलर भी है और मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा है. क्यों नहीं हम NH3 और PH3 और ASH3 और SbS3, तो अभी NH3 PH3 PH3 SbS3 या NH3 में भी देख लें और SbS3 में देखें, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है लेकिन SbS3 का भी है क्योंकि यहाँ मॉलिकुलर वेट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मॉलिकुलर वेट बहुत ज्यादा है. इसलिए तो इसलिए आपको याद रखना है कि नॉन डिस्पर्जन फोर्स प्रेजेंट इन एवरीवेयर वेदर दे आर पोलर एंड नॉन पोलर. मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरी तकरीर मेरा भाषण समझ में आया होगा. yes, sir. लिखें आप. क्लियर. यस. अच्छा पांचवा ये भी लिख लीजिए, सरफेस एरिया लिख लीजिए. आप ऑर्गेनिक में पढ़िएगा ना स्ट्रेस चेन की बॉलिंग फॉर्म ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्रांचिंग. बोलो ना बोलो ना. यस सर.
वही है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। देखिए इसमें बॉइलिंग पॉइंट सबका क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आपको सब पी ब्लॉक में पढ़ना ही है, वहां पढ़ेंगे। सब लोग को समझ में आ रहा है ना इसकी एप्लीकेशन? अरे बोलिए ना, पूरा पूरा पी ब्लॉक इसी पर इतने दफा आएगा। हाँ, अब बस वह हम लोग को टॉपिक से रिलेटेड करना। चलिए आगे बढ़ूं, सारे लोग गवाही दीजिए आगे बढ़ूं। हेलो एवरीवन, मेघना को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके संदेश। डन सर। डन डन डन। अब मैं आपको जो मैं बताना चाह रहा था, वो ये है कि देखिए, एक होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करनी है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, कि एक अदर फोर्स भी होता है, अदर वीक फोर्स कभी कभी पूछ देता है, आयन डायपोल इंटरैक्शन। कौन सा? आयन डायपोल इंटरैक्शन। अरे बोलो ना कौन सा? आयन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो ये आयन प्लस पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। ये सब आसान है। दूसरा होता है आयन इंड्यूस डायपोल। तो आयन इंड्यूस का मतलब बोल दो, आयन और किसके बीच में पाया जाएगा जल्दी बताओ? नॉन पोलर। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड अभी पढ़ेंगे हम लोग। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस। अब आइए कि इन कभी कभी आता है कि इन सब में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, इन सब में स्ट्रॉन्गर कौन है? इन सब में स्ट्रॉन्गर कौन है? तो देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन ये बहुत दफा पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में, एंड स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्स या इंटरेक्शन। सबसे स्ट्रॉन्ग जो माना जाता है आयन आयन इंटरेक्शन को, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो आयन आयन, उसके बाद आयन डायपोल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ऑब्वियसली दोनों सेम चार्ज नहीं होंगे, आयन डायपोल। उसके बाद माना जाता है डायपोल डायपोल। अब डायपोल डायपोल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद डायपोल डायपोल। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार कुछ तो बोल दो। यस सर। यस सर। के बाद माना जाता है आयन इंड्यूस्ड, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड। कुछ तो बोल दो। हाँ जी सर। हाँ जी, लास्ट में कौन? लंदन फोर्स। जिस पर ये ऑर्डर याद रखो, ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। बोलते रे मोहसिन भाई, फैज को आ रहा समझ में? फैज,
हेलो फैज। अरे मोहसिन, तुमको समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। अब आप आइए कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट गुफ्तगु इसमें ये करनी है कि आप सब कुछ पढ़ लिया और आपको एक चीज नहीं आई तो कुछ भी नहीं आई। और ये जब आप डेप्थ में पढ़िएगा तो देखिए, वंडर वाल की जो मैग्नीट्यूड है ना, वो बेसिकली डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। ऑब्वियसली डरवाल फोर्स, वंडर वाल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं। जितना चार्ज क्लोज होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना दूर होगा उतना इंट्रैक्शन कमजोर होगा। ये मालूम है आपको? यस सर। हाँ, तो एक दफा क्वेश्चन आया था वो ये है कि इस वंडरवाल फोर्स की इंट्रैक्शन एनर्जी डिस्टेंस की, यहां गौर से सुने, एक वंडरवाल फोर्स है और एक आपके पास है डिस्टेंस एनर्जी रिलेशनशिप। ये आपको याद रखना है बस, क्योंकि आपको साइंटिस्ट तो आप है नहीं कि आप कहिएगा प्रूफ करके लाइए, ये प्रूफ किया हुआ है। ये रिलेशनशिप सिर्फ याद रखना है, डिस्टेंस एनर्जी रिलेशनशिप। और आपको मालूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अरे यार कुछ तो बोलो, रिलेशनशिप बोलो या इंट्रैक्शन बोलो, रिलेशनशिप बोलो या इंट्रैक्शन बोलो। तो पहला है आयन डाइपोल, 1/r². इसकी जो पावर है प्रोपोर्शनल टू 1/r². और आप एनसीईआरटी को पढ़ें, स्टेट्स ऑफ मैटर के पहले और दूसरे पेज को, ये क्वेश्चन दे देगा स्कूल लेवल में भी तो स्टूडेंट पागल नहीं होगा, बोलेगा कहां से पेपर दे दिया ये। इसलिए मैं आपको हमेशा एक डायलॉग बोलता हूं, अब आप सब कुछ पढ़ लिया और यही नहीं पढ़ा और कहेंगे अरे ये कहां से आ गया, ये तो 1/r² तो था नहीं, ये क्या है? आर क्या है? दो इंटरैक्टिंग पार्टिकल की बीच की डिस्टेंस। वेयर आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल। अरे कुछ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? बिटवीन टू इंटरैक्टिंग, जी सर। हाँ, तीन का तो याद रखना ही है। हाँ, आयन डायपोल के एनसीईआरटी ने डाटा नहीं लिखा है, लेकिन तीन का डाटा लिखा है, तो तीन तो आपको आना ही चाहिए। डायपोल डायपोल इंटरैक्शन में दो केसेस याद रखनी है। आप फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक होता है स्टेशनरी, एकदम शांत बैठा हुआ स्टेशनरी फेज सॉलिड, तो वहां है R³। और अगर वही मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने पर थोड़ा दूर दूर भागेगा ना, तो मॉलिक्यूल कमजोर, यही डायपोल डायपोल बहुत कमजोर हो जाएगा, 1/r⁶। लेकिन कुछ नहीं लिखा रहा है, आप 1/r थे, आपको कहेगा डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन में इंट्रैक्शन एनर्जी इन प्रोपोर्शनल टू, चार ऑप्शन 1/r। हाँ, अगर उसमें लिख दे स्टेशनरी फेज तो फिर आपको दोनों फॉर्म में याद रखना है। तीसरा ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन ही है, बोलिए हाँ या ना? यस सर। ये भी क्योंकि हाँ डायपोल डायपोल है तो इसका भी 1/r³ है ना, स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं तो आपको रेफरेंस भी दे दी, आपको ये ना लगे कि सर टफ पढ़ा रहे हैं, आपको
केमिस्ट्री वही पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है, आपको पीएचडी नहीं करना है। तो एनसीईआरटी ने डायपोल डायपोल का पूछा है, डायपोल इंड्यूस का पूछा है जी। तो एनसीईआरटी की भी खास बात है ना, जब डायपोल डायपोल का पूछ दिया तो जी मेंस में एक दफा पूछ दिया हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड भी डायपोल डायपोल ही के स्पेशल केस है तो 1/r³ है। हाइड्रोजन बॉन्ड पर डायरेक्टली एनसीईआरटी ने डाटा नहीं लिखा, लेकिन चूंकि ये स्पेशल केस है तो ये नहीं कहना है कि तो वही है कि आपको डेप्थ में पढ़ना है कि ये डायपोल डायपोल ही है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड का भी 1/r³ होगा। डायपोल इंड्यूस डायपोल है 1/r⁶, डिस्पर्जन फोर्स का भी यही है। सुना सारे लोग, ये आपको इंट्रैक्शन एनर्जी याद रखनी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिफिनेशन के साथ साथ ये भी याद रखनी है। क्या मेरी बातें आपको कुछ समझ में आई? यस सर। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। इंट्रैक्शन एनर्जी कहते हैं, इंट्रैक्शन एनर्जी, इंट्रैक्शन एनर्जी का भी मतलब है डिस्टेंस एनर्जी रिलेशनशिप। अब ये डाटा फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखना है बस, बाकी इस पर कोई पीएचडी नहीं। कैसे आया तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़िएगा आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल एंड रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल का पूछे तो आपको ये दोनों याद रखना है, दोनों आपके सिलेबस में है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। ये मिसलेनियस है, बच्चे इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जी सर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिनेट देखो, बेसिक से जो भी चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए, सब आनी चाहिए, सब जो चीज है सब आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। नहीं लिखा? हेलो एवरीवन, नहीं लिखा? लिख लिया सर, लिख लिया सर। थैंक यू। ये करें, चलिए मैं आगे बढ़ूं। यस सर। तो अब आइए हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वंडरवाल के फोर्स की कैटेगरी में नहीं आता, वो किसकी कैटेगरी में आता है? स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। लिखिए द अट्रैक्टिव फोर्स, जल्दी जल्दी लिखिए द अट्रैक्टिव फोर्स, बहुत ही फास्ट लिखिए सारे लोग। जहां इंपॉर्टेंट बात, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड highly electronegative element जिसमें fluorine oxygen nitrogen आता है of another element। It's called hydrogen bond। मतलब ये देखो dipole तो है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग डायपोल है, याद रखो। HF की, अब देखो HF की HI से क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, बताओ क्यों होगी? क्या क्या, डायपोल डायपोल भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, डिस्पर्जन फोर्स है, तीन तीन की वजह से HF का बॉइलिंग पॉइंट HI से ज्यादा है।
या मॉलिकुलर वेट डोमिनेंट फैक्टर नहीं हुआ, सुना सारे लोग हाइड्रोजन बॉन्ड अब आ गया इसमें, अरे बोलो यार कुछ तो बोल दो। yes, हाँ, हाँ तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वीक फोर्स है लेकिन उस वंडरवाल फोर्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स में आता है। आयन डायपोल तो नहीं है ना, वो तो मैंने जानबूझ के लिखा दिया था, कभी एक दफा पूछ चुका है आयन डायपोल का भी, लेकिन आयन डायपोल को छोड़ दीजिए तो सारे वंडरवाल फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बता दें। लिख रहे हैं सर। हाँ लिखिए, जरूर लिखिए। सर सर जब आप अभी डिस्पर्शन पढ़ा रहे थे तो आपने एचआई के बारे में क्या कहा था? क्या कहा था? एचआई में स्ट्रॉन्ग डायपोल स्ट्रॉन्ग डिस्पर्शन फोर्स है। ये अरे बोलो, लिख लिया? यस सर। अच्छा आप सारे लोग सुनो, गौर से सुनो अच्छे से, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है? HFO OHO NHO, आप सुनो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, गौर से सुनिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर पहचानना है तो एक फॉर्मूला याद रखो, एक तो HFOH तो है ही है, सारे लोग सुनो, AH है बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड और ये डॉटेड लाइन है B, ये डॉटेड लाइन है हाइड्रोजन बॉन्ड, सुना? ये जो A है, प्लीज यहाँ सारे लोग देखें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी भी है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सारे लोग सुने अच्छे से, केमिस्ट्री में याद रखोगे सारे लोग, यहाँ पर ए जो है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यहाँ भी बी जो है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, लिखना मत। बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड इन सम केसेस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है 12th का, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, 12th का सॉल्यूशन चैप्टर, राउल्स लॉ नेगेटिव डिविएशन। फॉर्मूला ये कहता है ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरीन माइनस आई खींचकर इस पर कौन सा चार्ज क्रिएट कर दिया? पॉजिटिव कर दिया, बोलो हाँ या ना? जी सर। तो जब पॉजिटिव कर दिया तो ये भी मोर भूखा इंसान हो गया, मोर भूखा ही को कहते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसीलिए तुम देखोगे एनसीईआरटी में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है 12th के राउल्स लॉ में AC2, जबकि फार्मूला यहाँ है ए भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी भी यही होना, देखो एच बीच में है, एच ब्रिज का काम कर रहा है, एच ब्रिज का काम कर रहा है, तो इधर से तो बात समझ में है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, अरे बोलो ना। यस सर। ये कार्बन, तो ये याद रखना, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कार्बन भी बना सकता है जब CHX3 हो, हाइलोजन आ जाए तो। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? yes, रेफरेंस sir. रेफरेंस 12th की केमिस्ट्री नेगेटिव डिविएशन रॉल्स लॉ। सुना? मैं पूरा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कोई पूछे, दिस इज द जनरल, दिस इज जनरल क्या 99% यही है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, और से सुने द ये सब कुछ, एक मिनट सुने, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एंड नाइट्रोजन आर सेम बट हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट
present या not present in SCL या इन एस सी एल या क्लोरीन के साथ नहीं बनता. हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट या नॉट फॉर्म्ड विथ क्लोरीन मॉलिक्यूल विथ क्लोरीन. उसका रीजन यही है. पहले बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कि वीक फोर्स होता है? देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्लोरीन. एक तो ऐसे भी कमजोर है, क्लोरीन की साइज इतनी बड़ी है कि इतना हो जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, इतनी साइज बड़ी, तो वो फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एंड नाइट्रोजन आर सेम बट हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड विद क्लोरीन बिकॉज इट इज ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन. सुना सर एक लोग, बट एक एक्स, हाँ इसमें एक एक्सेप्शन है ऑर्गेनिक में. गौर से सुनो, एक एक्सेप्शन बस याद रखिएगा. In chloral hydrate, hydrogen bond is present. Chloral hydrate का जो formula होता है ना, और से सुने, CCl3CHOH. CHOH2. This is called chloral hydrate. इसमें इस organic chemistry में फिर वही बातें कि C है, Cl है, Cl है, Cl है. C के साथ आपका C है और H है, OH है. देखो ये पेंट क्लोज रिंग बना रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ. फिफ्थ मेंबर रिंग बना रहा है ना, 1 2 3 4 5. रिंग बनने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वही हाल यहाँ पर भी है. जबकि तुम केमिस्ट्री में ये भी पढ़ते हो, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे बहुत दफा आएगा. गौर से सुनो कि ऑर्गेनिक ये कहता है अगर किसी कार्बन पर दो OH आ जाए और कार्बन sp3 हो, हमेशा याद रखो हमेशा वाटर का रिमूव होगा और C पर O डबल बॉन्ड O आ जाएगा. देखो इसका H इसका OH, क्यों? रीजन है कि ये स्टेबल है. कैसे मालूम आपको? प्रकाश डालिए तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ 2COH बॉन्ड एक्सेप्ट क्लोरल हाइड पर. भी देखो कार्बन पर दो ओ एच आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ. हाँ जाना. तो फिर यहाँ क्यों नहीं वाटर रिमूव हुआ? इसलिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई. बोलो ना, हेलो एवरीवन. पूरे पूरी केमिस्ट्री में कोई पूछे क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, कहिए नहीं. एक्सेप्ट क्लोरल हाइड्रेट तो है. एक आध केस और है लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, जो आपको पढ़ना है उसी पर ध्यान दीजिए. बस क्लोरल हाइड्रेट, ये क्लोरल हाइड्रेट इसलिए भी समझाना जरूरी था मुझे कि कार्बन पर एक ही, इसको कहते हैं जेमिनल डायोल. एक ही कार्बन पर दो जब भी रहेगा केमिस्ट्री में, जैसे बना झट से सीओ में तब्दील होगा. क्यों? ये स्टेबल होना चाहेगा. बॉन्ड एनर्जी ऑफ सीओ ग्रेटर देन बॉन्ड टू सीओएच. एक्सेप्ट क्लोरल हाइड्रेट, क्योंकि क्लोरल में भी सी पर हो, तो यहां क्यों नहीं हुआ? ये झट से क्लोरीन कहेगा नहीं मेरे साथ पकड़ लो, मुझे पकड़ लो. ये उसको खींच रहा था क्लोरीन, नहीं नहीं मेरे साथ रहो, उसको पकड़ के हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया.
क्यों यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना, क्लोरीन जैसे फिफ्थ मेंबर रिंग बन गया, दो दो फिफ्थ रिंगर बन गया, तो ये स्टेबल हो गया। रिंग बनने से क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो सबसे पहले फिर से एक बार, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। हाइड्रोजन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसका फॉर्मूला ही याद रखिए। देखिए ये खींच रहा है इसके इलेक्ट्रॉन को, जब खींच रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बताओ, गौर से सुनो अच्छे से, कि बीच जितना आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं, जल्दी बोलो। इसलिए केमिस्ट्री कहता है गौर से सुनो अच्छे। अच्छा तुमसे मैं अगर पूछूं, और मेघना आंसर देने वाली है, मेघना मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। मैंने ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड लिया, बी एफ एच लिया, बताइए किसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए या बी? ए में, बिकॉज वेरी गुड। बी में, बी में, नहीं नो बी, उसका रीजन सी है, मैं इसलिए समझा रहा था। जिस पर अभी मैं प्रकाश डालूंगा, पहले आप कहां तक लिखा है वो मैं आपको सिखा देता, इसलिए ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, ए एच डॉटेड बी, ए बी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बी बी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब हम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे, वो मैं बताऊंगा, पहले ये लिख, ये तो लिख लिए थे हाँ या ना? यस सर। अब ये स्लाइड लिखो, लिख लो। हो गया सर। कोई बोल ही नहीं रहा भाई, शादमान शादान आ रहा है आपको? यस सर। हाँ लिख लिया सारे लोग, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। एक मिनट सर। हो गया सर। डांसर
ये लिख लिया था? नो सर। लिख लिया? एक मिनट सर बस। क्या सब लोगों ने लिख लिया? अमन अनीस ने लिख लिया? यस सर। अब सुनो, गौर से सुनो, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोला मैंने? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी मैंने आपको ये बताया था ए ने खींचा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये भूखा इंसान हो गया, तो भूखे इंसान को इसलिए याद रखिए, लोन पेयर हम लोग तो कहते हैं कि वो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, लेकिन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सुना सारे, लोन पेयर देगा तभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। यस। हाँ यस। याद रखो, हाँ फ्लोरीन ऑक्सीजन है लेकिन लोन पेयर के साथ बनता है। ये भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना चाहिए, लेकिन याद रखो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। एंड तुम्हें जान के हैरानी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। क्यों? जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्या वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ? नो सर। नो, इसलिए स्टूडेंट फंस जाते हैं क्वेश्चन में, इसलिए याद रखो अच्छे से। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर मुझसे पूछा जाए, सिर्फ ऐसे पूछा जाए, एफ एच ओ एच सी एन एच, अब डायरेक्ट बोलो और से सुनो, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बस हम ए को देखेंगे, ए फिर बी फिर सी। क्या इसमें किसी को दो कंफ्यूजन है? बोलो। नो सर। अगर हमसे पूछा जाए एफ एच डॉटेड एफ, एफ एच डॉटेड एफ माइनस, भाई एफ इलेक्ट्रोनेगेटिव लेकिन लोन पेयर के साथ, बी आसानी से देगा, ए में इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, और ये तो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट इस पूरे हाइड्रोजन बॉन्ड में, मैं लिख देता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है कि इसकी स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर है। इसलिए तुम पढ़ोगे KHF2 exists, but KCl2 does not exist. KHF2 क्यों exist? K plus HF2 minus. क्यों HF2 minus exist? आई है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। देखो HF मिला दो तो HF2 माइनस बन रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, हाँ, तो HF2 सबसे हाइड्रोजन बॉन्ड में सबसे, तो वो इसी फॉर्मूला पर याद रखो, A मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, खींचा, मोर
एच यहाँ हम लोग कहते हैं कि बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन यहाँ बी के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाँ, वो लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट ऑन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन उन तीनों में जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाता, गौर से सुनो, एफ एच है, डॉटेड एफ है, बी है, ओ एच है, डॉटेड एफ है, सी है, एन एच डॉटेड एफ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो हम ए को देख लेंगे, तो ए ए फिर बी फिर सी। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। यस सर। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर पूछा जाए, ए वाटर, बी एन एच थ्री, बताओ किसका ज्यादा, सी एच एफ, किसका ज्यादा, जल्दी बोलो। CBA, ABC। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करेगा पर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहाँ भी चार, यहाँ सिर्फ दो बनता है। HF में लीनियर स्ट्रक्चर, इसमें क्लोजली, यहाँ HF क्यों वाटर, वाटर आइस पर है ना, आइस क्यों वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड देखो तुम पर होगे, हाइड्रोजन इधर से दो लोन पेयर के साथ, एक वाटर में चार हाइड्रोजन, इसलिए क्लोज टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। अरे बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, चार हाइड्रोजन बॉन्ड है, अमोनिया में एच, अमोनिया में एच, अमोनिया में एच, इधर से इधर से इधर से एक लोन पेयर। HF में तुम देखोगे HF का जो जिगजैग मैप स्ट्रक्चर होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर पूछा जाए HFNH पर बॉन्ड, तो हम कहेंगे HF, लेकिन मॉलिक्यूल की बात की जाए, मॉलिक्यूल की बात की जाए, अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई तो गवाही दो। जी सर। तो पर मॉलिक्यूल हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड इज पेयर एंड हाउ मेनी क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल हम बात करेंगे। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, मेघना को ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, बोले वो। यस सर। हाँ, जब हमें सिर्फ पूछा जाए, अब तुम्हें जान के हैरानी होगी अगर किसी को यकीन ना हो कि सर ये पागल है नशे में, तो तुम जाके बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लो, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, HF का सिर्फ 19.5 डिग्री, जाके चेक कर ले। तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों वाटर की ज्यादा हुई, वाटर की इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि स्ट्रॉन्ग है पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, ऐसे पूछा जाए OH NH HF, HF स्ट्रॉन्गर। हेलो एवरीवन, हेलो, आया समझ में? नहीं आया। यस सर। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जा रही हैं। याद रखिए, पार्टिकुलर बॉन्ड सिर्फ बात हो तो HF स्ट्रॉन्गर, लेकिन अगर वाट मॉलिक्यूल की बात हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये फॉर्मूला याद रखो मेरे भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी के इनवर्सली। सुना? तो यहां से लिखो सारे लोग। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। तुम अमोनिया की भी बॉइलिंग पॉइंट पर होगे तो 238.5, 19 HF का बॉइलिंग पॉइंट कितना मैंने बताया था, 19.5 डिग्री, उसको डिग्री से केल्विन में करो तो कितना आएगा, 293 के अप्रोक्स। हाँ, 293 लगभग। हो गया, सबको समझ में आ गया? जल्दी कीजिए। हेलो एवरीवन,
ये मदीहा नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। अच्छा हो गया सर। हो गया। बोलिए बोलिए। सर इसमें आपने क्या बोला कि पर एटम सॉरी भाई आप याला पर मॉलिक्यूल फोर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा सर। तो H2O में चार कैसे बन रहे पर मॉलिक्यूल? अरे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन पर, दो लोन पेयर एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल बनेगा, दो दूसरा हाइड्रोजन वाटर लोगे तो बनेगा ना भाई, केज लाइक स्ट्रक्चर, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है यार, जाके देखो ना टेट्राहेड्रली एग्जैक्टली बन जाता है। किस तरह बनता है? टेट्राहेड्रल। बना के दिखाएंगे एप्लीकेशन में भी। लिख लिया। हेलो एवरीवन। सर आप एक दफा सर ये NH3 वाला दिखा दीजिए, पर एटम चार कैसे बन रहे हैं? अरे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, तीन हाइड्रोजन, आगे बढ़े जल्दी बताएं सारे लोग। अरे बोले ना, लिख लिया। हेलो कैन यू हियर मी? यस सर। लिख लिया। टॉपिक डालिएगा जब पहले, उसके बाद में वाटर में चार कैसे वो सब आपको एप्लीकेशन में सिखाया जाएगा। तो आप देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दो तरह का होता है सिंपल, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर, क्या होता है जल्दी बताओ? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके लिए जरूरी है दो मॉलिक्यूल हो, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में। और एक क्या होता है? इंट्रामोलेकुलर। क्या होता है जल्दी बताओ? इंट्रामोलेकुलर। अरे देखो इंट्रा का वर्ड कभी भी केमिस्ट्री में सेम होता है, इंटर कहते हैं ना, इंटर रिलीजियस डायलॉग, दो डिफरेंट रिलीजियन के बीच में डायलॉग। एक होता है इंट्रामोलेकुलर, इंट्रामोलेकुलर हमेशा कभी भी ऑर्गेनिक, इंट्रामोलेकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, तो समझ जाइए विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इंट्रा का वर्ड जब भी आई जनरल वर्ड, तो आप क्या समझेगा? सेम मॉलिक्यूल के बीच में। सुना सारे लोग? यस सर। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल होना चाहिए बस। जैसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास क्लोज चेन में बनेगा ओ नाइट्रोफेनॉल,
यहाँ देखिए विथिन द सेम मॉलिक्यूल बन गया कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। तो कल चलिए, कल आधा घंटा ही टॉपिक होगा, उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। मेरा मशवरा ये है, सुने सारे लोग, मेरा मशवरा ये है कि केमिकल बॉन्ड वाली कॉपी में आप पी ब्लॉक वगैरह लिखेंगे, आप केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए अलग से नोट्स बनाए तो ज्यादा बेहतर है। केमिकल बॉन्ड के बाद पी ब्लॉक वगैरह लगाएंगे तो आपको सिक्वेंस में सारी चीजें आएंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्ड, पी ब्लॉक वगैरह। सुना सारे लोग? यस।